हे हेलो होमीज, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई नो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, बाइक के लिए ब्लॉग ही बना नहीं पा रहा था मैं। हाँ, बेसिकली अभी मैंने लाइव स्ट्रीम चालू किया है ना गाइस, पीसी भी बिल्ड कर लिया। सो अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा करके मेरा खास टाइम जा रहा है मेरे स्ट्रीमिंग के लिए, जहाँ पर मैं मोबाइल लेजेंड्स, पबजी या फिर GTRP ये सब के गेम प्ले कर देता हूँ। तो बेसिकली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है अभी। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये बाइक के बारे में मुझे बता रहे थे बहुत सारे लोग कि यार बताओ इसके ऊपर रिव्यू बनाओ, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। लेकिन मतलब मैंने अभी परचेस करके इसको 16 मंथ 16 महीने हो चुके हैं मैंने लेके ये बाइक को। उसके बाद का ये रिव्यू है कि ओनरशिप का रिव्यू, कि बेसिकली मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए, ये बाइक कौन से चीज़ों में अच्छी है, कौन से चीज़ों में बुरी है, वो सब चीज़ों के लिए मैं तुमको डिस्क्राइब करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में, आपको धीरे धीरे सब चीज़ों का अंदाज़ा आ जाएगा, बाइक कितने में लेनी चाहिए या लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मुझे कितने में पड़ी, ये सब चीज़ों का मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। बाय द वे गाइस, थोड़ा सा मेरा वॉइस और बैकग्राउंड नॉइज़ का भी ज़्यादा इशू होगा, मैं भी थोड़ा बीमार हूँ इसलिए मैंने खुद को भी वीडियो में नहीं लिया, मेरा फेस को नहीं लिया, बस बाइक को दिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, इस बाइक को मुझे लेके लगभग 16 महीने मतलब 16 मंथ्स हो चुके हैं पूरे। इसमें मैंने बाहर से अटैच का किया है, वो सब चीज़ें मैं पहले दिखा देता हूँ। फर्स्ट तो सबसे पहले मैंने बिठाया है ये SC प्रोजेक्ट का साइलेंसर, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें मैंने बिठाए है नकल गार्ड्स, तीसरा है वाइजर जो लाइक राइडर्स बिठाते, किस लिए बिठाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये एयर को कट करने के लिए जो फिल्टर होता है उस टाइप से मैंने बिठा के रखा था। और तीसरी चीज़ या छोटी जो भी रहेगा, ये होल्डर भी है, और यहाँ पे नीचे लैंप लगा के रखे मैंने नाइट विजन के लिए, क्योंकि जब हम किसी भी नाइट राइड पर जाते हैं फॉग लाइट की तरह ये काम करता है, बेसिकली अच्छे से सब सामने का दिख के आता है उसमें, इसलिए बिठाया। जिस टाइम गाइज मैंने ये बाइक परचेज़ किया था उस टाइम मुझे पूरा महीना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने इस बाइक के लिए फर्स्ट सर्विसिंग किया, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद लाइक एवरेज कम होना स्टार्ट हो गया, 35-30 देने लग गया था। तो मैंने लाइक वहाँ पे जाके थोड़ा सा मचान हो गया था, लाइक मराठी में हमारे में बात करें तो बाछा बाछी हो गई थी मेरी वहाँ पे थोड़ी। तो उसके बाद उन्होंने सेकंड सर्विस में मेरा वो करा के दिया प्रॉपर। अब गाइज यकीन नहीं करोगे, ये बाइक मेरी सिटी में मैक्स टू मैक्स 48-50 का एवरेज मुझे देती है अभी ये बाइक। और एग्जॉस्ट के बाद भी गाइज, और वो क्यों देती है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में। तो बेसिकली कहा था हम कि सिटी में मुझे ये 48-50 का एवरेज दे देती है, और हाईवे पे चलाऊँ तो 55 क्रॉस हो जाती है आराम से। ये मैंने एवरेज निकाले हुए, बस मैंने वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। सेकंड थिंग, क्या आप बोलते रहोगे, सोचते रहोगे यार इतनी बाइक इसका ये एग्जॉस्ट बिठाने के बाद भी कैसे दे रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, साइलेंसर बिठाने से कोई भी मतलब नहीं होता कि एवरेज कम हो जाएगा या घट जाएगा, वो कोई चीज़ें नहीं होती, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे चलाने के ऊपर। हम जितना लाइक छपरी राइडर्स की तरह से बाइक चलाएंगे, लाइक किसी को देखा तो डबल फायरिंग दे दे, बुंग 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 कर ऐसा करके फायरिंग दे देते हैं, तो वो इंजन जब पेट्रोल नीचे लाता है मतलब पाइप से नीचे आता है तो खींच के आ जाता है, तो टाइम पे कहीं जाके अपने को एवरेज कम मिल जाते हैं। लेकिन आप नॉर्मल स्पीड पे चलाओगे, इकोनॉमिक पे चलाओगे, जैसे कि 55-50-60 तक चलाओगे, आराम से हो जाएगा, बात तो सही है। सेकंड थिंग, इसमें मैंने 100 पे मीटर लॉक करके रखा है, उनको मैंने बोला था मुझे 100 के ऊपर ये नहीं चाहिए, मीटर लॉक करके रखो, क्योंकि कंपनी ने हमें दिया है इसके ऊपर 120 का स्पीड दे के रखा है। ये देखो गाइस, 120 का स्पीड देके रखा है मैंने, 100 पे लॉक करके रखा है मीटर को। तो ये गाड़ी मुझे 100 पे लॉक करने के वजह से भी हो सकता है कि दे रही है, और मैं ज़्यादा गाड़ी भगाता नहीं हूँ, जब चाहे जब मन लगे या फिर मैं हाईवे पर रहूँगा तभी वो गाड़ी मैं भगा देता हूँ, तब जाके मुझे अच्छे से एवरेज दे देती है। और उसकी सेकेंड थिंग, मैंने ये तोड़ ताड़ के साइलेंसर नहीं बिठाया, ये साइलेंसर मैंने बिठाया डायरेक्ट बैंड पाइप से, क्योंकि ये बैंड पाइप मैंने कट नहीं किया, इसके ऊपर से भी कैटालिटिक कन्वर्टर इसके अंदर होने के बावजूद वो ज़्यादा एवरेज मुझे दे रही है। कैटालिटिक कन्वर्टर निकाल देने के बाद आपका भी एवरेज कहीं जाकर कम हो जाएगा, 35-30 भी देगा। बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस देखे 125 के बारे में, तो वो लोग बोल रहे थे कि हमें एवरेज बहुत कम दे रही है, किसी को 41 दे रही है, किसी को 35 दे रही है, किसी को 50 भी दे रही है,
उसके ऊपर नहीं। तो ये सब गाइस कैसा रहता है, अपने चलाने के ऊपर रहता है बाइक का, कितना एवरेज देगा वो बाइक। सो गाइस कुछ बाइक के बुरे चीज़ें लाइक जो जैसे प्रोज होते हैं वैसे कॉन्स भी होते हैं, तो ये बाइक के कॉन्स क्या है वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बाइक के कॉन मुझे अच्छे नहीं लगे। एक तो सबसे पहले इसका जो बैक साइड वाला ब्रेक है वो मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगा, क्योंकि ये ब्रेक बहुत, मतलब जब से मैंने गाड़ी परचेस किया है ना वो ब्रेक ही नहीं लगता है ठीक से। आप कितना भी ट्राई मतलब टाइट कर दो या कुछ भी करो ये लगता ही नहीं ठीक से। सेकंड थिंग, इसमें ऑब्वियसली ड्रम दिया हुआ है सेकंड में, मतलब पीछे के साइड में, क्योंकि आगे मैंने डिस्क लिया है पीछे डिस्क नहीं लिया है। तो वो ड्रम होने के बावजूद हो जाता है कभी कभी आवाज़ आ जाता है, सर सर आवाज़ आता है, तो वो कानों को थोड़ा इरिटेट कर देता है। ये हुआ फर्स्ट वाला। बाइक का सेकंड रीज़न बोलूँ मैं गाइस, तो सेकंड मतलब इसका गियर। गाइस ये गाड़ी है ना, मैं जब भी न्यूट्रल करने का कोशिश करता हूँ ये न्यूट्रल हो ही नहीं पाती है। फर्स्ट डाला तो फर्स्ट पे से डायरेक्ट सेकंड पे आ जाती है, नहीं तो सेकंड डाला तो फर्स्ट पे आ जाती है, लेकिन वो न्यूट्रल हो ही नहीं पाती है। उसको गाड़ी रुका के इग्निशन ऑफ करके फिर करना पड़ता है, तब जाके न्यूट्रल हो जाती है, तब तक होती ही नहीं है बाइक न्यूट्रल, ठीक है। इसमें तीसरी बात मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो है इसका सीट का जो पोजीशन उन्होंने बना के रखा है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि आप राइड कर लेते हो, राइडर राइड कर लेता है, लेकिन जो बंदा या बंदी जो आपका पार्टनर पीछे बैठा रहेगा उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, क्योंकि उसको बैठने ठीक से आता नहीं है, बहुत ऊंचाई पे हो जाता है। कभी हम इग्निशन से मतलब पिकअप दे जाते हैं तो पीछे के साइड में आ जाता है बहुत ज़्यादा, या ब्रेक मारेंगे तो अपने मतलब खुद के ऊपर ही आ जाता है वो, राइडर के ऊपर ही आ जाता है पीछे बैठा हुआ इंसान, तो वो मुझे कहीं जाकर अच्छा नहीं लगा थोड़ा। और उसका सीट पोजिशन भी बहुत मतलब अलग ही दिया है, तो ये भी कहीं जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा इसमें। सो बाय द वे गाइस हमारे चार पॉइंट तो कंप्लीट हो चुके हैं, हम पांचवे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट ऐसा था कि बाइक बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी हीट पकड़ लेती है, वो तो होगा ही, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है 10-12 मिनट्स भी गाड़ी चलाई 30-35 की स्पीड पे तो भी हीट पकड़ लेती है। होगा भी क्योंकि इसमें सीसी कम दिया है ना कंपनी ने, 125 सीसी का इंजन है तो उतना तो होगा ही होगा। तो ये तो हो चुके बुरे पॉइंट्स बाइक के, अभी बढ़ते हमारे अच्छे वाले पॉइंट्स पे। तो बाइक का इंजन गर्म होने का रीज़न तो हुआ, लेकिन उन्होंने इंजन में एक बात अच्छी की गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया मेरे कि इसमें 160 का इंजन कंबाइन करके लाइक कम करके उसकी पावर 125 में शिफ्ट किया, 160 का इंजन, तो कहीं जाके ये गाड़ी में आपको पिकअप बहुत ज़्यादा देखने मिल जाएगा। लाइक पहले गियर पे आपकी बाइक मोस्ट ऑफ ऑल 40-45 की स्पीड पे आराम से चल जाएगी, इतना पिकअप पकड़ लेती है बाइक। मतलब 125 सीसी के मुकाबले बाकी कोई भी छोड़ो, बस KTM छोड़ा तो बाकी कोई भी गाड़ी इसको बीट नहीं कर सकती पिकअप के मामले में, ये तो मैं मान सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने रेस भी लगा के चेक किया है, तो बस KTM ऐसी बाइक है 125 सीसी के इंजन में जो KTM इसको बीट कर सकती, बाकी कोई भी बाइक अभी तक बीट नहीं कर पाई है। यो मैंने खुद ने नोटिस किया है चीज़ को, मैंने खुद ने रेस लगा के ट्राई किया है। इसका सेकंड प्रोज है जो मैंने पहले भी बताया, वापस भी बता देता हूँ, इस गाड़ी का माइलेज भाई लाजवाब माइलेज है गाड़ी का, 45-50 आराम से दे जाती है, और भी आपको कम बजट में। लाइक आप कितना परचेस कितना भर दोगे इसको लेने के लिए, 1,30,000 या 35,000 ज़्यादा से ज़्यादा। उस वाली प्राइस कैटेगरी में देखा जाए तो गाइज आपको ये वाला लुक या फिर इतना माइलेज नहीं दे सकता कोई भी कंपनी, तो मुझे ये अच्छा लगा वो चीज़ में भी कि अच्छी है कहीं जाकर ये गाड़ी। प्राइस के मामले में पकड़ो या फिर एवरेज के मामले में पकड़ो तो मस्त गाड़ी है। ओवरऑल ये बाइक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब ओनरशिप के हिसाब से, ना मैं इस वीडियो को किसी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। जजमेंटल था कि लाइक मेरे व्यूवर्स जो मुझे पूछ रहे थे कि तूने बाइक परचेस किया है कितना टाइम हुआ है, तो मुझे बाइक लेके हुआ है 16 महीने कम्प्लीट, 16 मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं। जो स्पोर्टी लुक मिल जाता है आपको, एवरेज मिल जाता है, तो कहीं जाकर ये बाइक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, मैं पहले ही बोल देता हूँ वापस ये। और मेन मुद्दे पे आते गाइस, इसमें तीसरी अच्छी बात करें बाइक के गाइस, तो इस बाइक के टायर्स, मुझे ट्यूबलेस टायर मिले बाइक के साथ, मे बी सबको ही मिले रहेंगे जिसके पास 125 सीसी रहेगा, उन सब में भी ट्यूबलेस ही टायर है। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी कि मुझे मालूम नहीं था कब पंचर हो गया था, मैं जब हवा भरवाने गया तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हुआ है पंचर होकर, उसमें खिल्ला अटका हुआ है। वो 2 महीने में वैसे ही चल रही थी, लेकिन मतलब और होल नहीं हुआ है उसमें, बस एक ही पंचर था उस पर ही चल रहा था। ना स्पीड कम दिया ना एवरेज कम दिया वो बाइक ने। ये टायर्स भी मस्त है बाइक के, जो जिस कंपनी के भी बिठा रखे हैं उन्होंने, MRF शायद, हाँ MRF है। सो ये भी बाइक के टायर्स मस्त है, तो ये भी मुझे एक अच्छी बात लगी उसमें। सो गाइज मैंने बेसिक से मॉडिफिकेशंस करवा के रखे बाइक में, वो दिखा देता हूँ आपसे। सबसे पहले तो हैजर्ड लाइट मैंने बिठा के रखी है, एक मिनट गाइज
ये मैंने हैजर्ड लाइट बिठा के रखा है गाइस, ये चेंज होने वाला लाइट है, ये बटन के ऊपर रहता है, यहाँ पर बटन लगाया मैंने ऊपर, और ये बटन आप जैसे प्रेस करोगे वैसे वर्क करेगा। इसमें मुझे तकरीबन 16 अलग अलग चैनल्स मिले इसमें चेंज करवाने के लिए। अब जैसे जैसे बटन क्लिक करोगे ये चेंज होते रहेगा, अलग अलग देखने मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड जो मैंने इसमें मैंने जो मॉडिफिकेशन करवाया वो है नकल गार्ड का। ये नकल गार्ड भी मैंने परचेस किए थे 1200 या 1300 में, और फिटिंग चार्जेस मुझे लगे थे 100 रुपीज़, ज़्यादा नहीं लिए तो 1400 में लगभग मुझे ये बीटा के पूरा क्लियर हुआ था। थर्ड मॉडिफिकेशन था इसका वाइज़र, ये वाइज़र मुझे पड़ा 500 में और फिटिंग चार्जेस उसने 100 रुपीज़ लिए थे, तो तकरीबन मुझे ये 600 में मुझे तकरीबन पड़ा है पूरा। तीसरा वाला मॉडिफिकेशन है ये वाला जो हमने बिठा के लिया था। अबे एक साइड तो बन है गाइज, उसके शायद से बल निकल गए। अभी इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगी गाइज, इसमें नहीं रिवील करने वाला, मैं बता दूंगा आपको इसका लाइट भी कितना स्ट्रांग है। देखो गाइज, एक का ही, ये दोनों चल जाए तो फिर मजे ही मजे। तो ये एक है जो तीसरा मॉडिफिकेशन है। इसमें और एक मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ जो कि अपना सबसे बेस्ट साइलेंसर। तो चलो गाइज, थोड़ा सा बाइक का नॉइस भी सुना देता हूँ आप लोगों को, कैसा है मुझे ज़रूर बताना। तो ये कुछ मतलब बेसिक से मॉडिफिकेशंस है। आपको ये साइलेंसर भी बिठाना होगा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है इसके ऊपर, आप वहाँ जाके चेक कर लेना कि मैंने साइलेंसर कैसे बिठाया, कहाँ से बिठाया, ये साइलेंसर मुझे कितने में पड़ा। इसके ऊपर डिटेल रिव्यू मैंने डाला है साइलेंसर के लिए भी, और मैंने कहाँ से बिठाया, कितने में परचेस किया, वो डिटेल पूरा वीडियो है, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर लेना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।